एक कॉस्मेटिक दुकान पर चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से तलाश कर गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। इंदौर के सराफा थाना क्षेत्र स्थित मारोटिया बाजार में सोमवार रात हुई कॉस्मेटिक की दुकान में चोरी की घटना सामने आई थी। जब दुकान मालिक को दुकान में चोरी होने का पता लगा तो उसने पुलिस को इसकी सूचना दी। वहीं पुलिस के पास आरोपियों के फुटेज भी सामने आए, जहां एक एक्टिवा गाड़ी पर आए चोर चोरी के माल को ले जाते दिखाई दे रहे थे। वहीं सराफा टीआई ने गुरुवार दोपहर बताया कि पुलिस ने फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में टीम लगा दी है, जिसे एक आरोपी पंडरीनाथ निवासी को पकड़ लिया है, जिसके पास से माल जब्त हुआ है। वहीं दूसरे आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। सोमवार की रात को मारोटिया बाजार में कॉस्मेटिक की दुकान में दो अज्ञात आरोपियों द्वारा चोरी की गई थी, जिसमें पिछला गेट खोलकर उनके द्वारा कॉस्मेटिक का सामान चोरी किया गया था। फरियादी द्वारा सूचना देने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और घटनास्थल से लेकर सारे सीसीटीवी फुटेज टीम के द्वारा निकाले गए और उन्हीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लगातार आगे उनका चोरों का रूट ट्रैक करते हुए कल एक आरोपी को पकड़ा है और उसे जो घटना में चोरी किया गया सामान कॉस्मेटिक का सामान है वो जब्त किया गया है। उसके एक साथी की तलाश अभी की जा रही है। कौन आरोपी है? इसमें जो आरोपी है अभी पकड़ा गया है वो फिरोज है, जो कि पंडरीनाथ में रहता है। इसके पूर्व भी कई आपराधिक रिकॉर्ड हैं जो पंडरीनाथ थाने से और अन्य थानों से निकलवाए गए हैं और उससे अन्य घटनाओं के संबंध में भी पूछताछ की जा रही है।